क्या आप मेरे हाथ देख रहे हैं? मुझे लेप्रेसी यानी कुष्ठ रोग हो गया था। अरे मंगला, हो गई तुम लोगों की शॉपिंग? ये है मंगला, मेरी पत्नी। आप शायद यकीन नहीं करेंगे कि इन्हें भी कुष्ठ रोग था, लेकिन पूर्ण इलाज के बाद आज ये एक बड़ी संस्था की प्रोजेक्ट हेड है और हमारे 3 हेल्दी बच्चों की माँ। लेकिन दुख की बात यह है कि अंधविश्वास या संकोच की वजह से लोग इलाज में देरी करते हैं। मैंने भी यही गलती की थी, जिसका नतीजा ये है। जी हाँ, याद रखें, त्वचा पे हल्के रंग के सुन्न दाग, उंगलियों का सुन्न होना, हाथों पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच कराएं। जल्दी जांच और MDT से पूरा इलाज आपको कुष्ठ रोग एवं विकलांगता से बचा सकता है। लेप्रसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है, क्योंकि हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो RBI के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही RBI का बैंकिंग ओम्बुड्समैन। RBI कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप RBI के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये RBI का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। पापा वो देखिए,
लिए आपकी चैन मिल गई। अच्छा लगता है यार बड़ाहट में गिर गई होगी। और सुनो जी अंदर भी सब मैंने देख लिया है, सारी अलमारी सारे सुटके सब चेक कर लिया है, कुछ नहीं गया, बस मेरी सोने की बाली। भगवान भला करे उस आवाज का जिसने हमारी आंख खोल दी, वरना तो आज पूरा घर साफ हो गया था। बेटा अब आप लोग अंदर जाइए, चलिए जाइए अंदर, 3 बज रहा है, सुबह स्कूल जाना है, चलिए चलिए, गुड नाइट। कल से हम खुद खिड़की दरवाजे चेक करके सोया करेंगे, सब नकारा है, किसी पे भरोसा करने वाला नहीं। चलिए फैला रखे। मेरा नाश्ता कहाँ है? नाश्ता टेबल पे रखा है। और जरा सुनो। हाँ बोलो। कल रात से मैं ये सोच रही हूँ कि दरवाजा तो कल खुद मैंने अपने हाथ से बंद किया, तो ये कुंडी खुली कैसे? किसने खोली होगी? मोहन का नाम लूंगी तो अभी तुम भड़क जाओगे। मुझे पता था तुम उसी का नाम लोगी, क्योंकि वो मेरे गाँव का है, तुम्हें तो चोर लगता होगा। ठीक है ठीक है, मुझसे बाहर भेज देते, वो गांव चला जाएगा। और सुनो इतने कम पैसे में कोई नौकर मिलेगा नहीं। अरे बाबा क्या हो गया, मैंने ऐसा क्या कह दिया? अरे बोलो भाई कुछ तो बोलो। अरे यार तुम तो जरा जरा सी बात को बुरा मान जाती हो। ये तो यही वाली है ना? पैंट तो राहुल की पैंट है ना? मेरा राहुल चोरी करेगा? ये मैं सोच भी नहीं सकता था। अरे क्या कमी रखते थे उन्हें, सब तो दिया हमने उन्हें। वो मुझे 4,000 रुपए मांग रहा था ना पिकनिक पे जाने के लिए, मैंने दिया नहीं इसलिए। मतलब नहीं, 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 तुम कुछ मत कहना बच्चों से, बच्चे ना जाने आजकल क्या कर बैठे, उनका कोई भरोसा नहीं। मैं समझा दूंगा ना, मैं समझाऊंगा बच्चों को, मैं समझा दूंगा, मैं समझाऊंगा उनको। सन्नाटा क्यों है? मुझे मालूम मेरा राहुल क्यों नाराज है। सारे बच्चे टूर पे जा रहे हैं और मैंने टूर पे जाने से राहुल को मना कर दिया, इसी वजह से तो राहुल नाराज है, यही बात है ना? तो भाई मैंने फैसला कर लिया है कि अपना राहुल भी टूर पे जाएगा। मैं तुम्हें कल ही पैसे दे दूंगा, तुम स्कूल में जमा कर देना, ठीक है? देखा
अब हंस दे, देख पापा भी मान गए, अब खुश हो जा। बेटा हम लोग तुम लोग की हर जरूरत को पूरा करते हैं। हो सकता है कभी कभी तुम लोग की जरूरत को पूरा ना कर पाए, तो इसमें बच्चे कभी कभी गलत कदम उठा लेते हैं। बच्चों को ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वरना अरे क्या हो गया पनिशमेंट? उस मोटे लड़के ने मेरे सारे पेपर खाए दिए। बात क्या हुई? मैं कल अपना होमवर्क करके ले गया था, मगर जब मैम को रजिस्टर दिखाने की बात आई तो मेरे सारे पेपर पीछे गिर गए। मैम को लगा मैं सिर्फ बहाना कर रहा हूँ और मुझे फिर से क्लास से बाहर कर दिया। ये तो कोई बात ही नहीं होती। मैं कल ही तुम्हारी प्रिंसिपल से मिलता हूँ। क्या नाम है उस लड़के का? दिवेंद। पापा भैया को टूर के लिए पैसे दे रहे हो तो मेरे लिए मोबाइल भी लेते आना। ला देंगे, जरूर ला देंगे। आप चलो उठो, चलो जाओ जाओ, खाना खाओ। वो देखो रश्मि को कैसे गप्पा गप्पा उठा रही है। चलो चलो भागो भागो भागो, जाओ जाओ बेटा। नमस्ते बेटा, आओ बैठो। बच्चे घर पर हैं क्या? बच्चे? क्यों, क्या हुआ? जी जी, वो मेरी मम्मी का मोबाइल नहीं मिल रहा है। मोबाइल देखा है उन्होंने, पूरा घर देखे, कहीं नहीं मिल रहा है। अच्छा शायद देखो, बुलाती हूँ उन्हें। रोहित, रश्मि इधर आओ बेटा। बेटा कल खेलने गए थे ना तुम आंटी के यहाँ? जी। उनका मोबाइल देखा क्या? घर पर देखते हैं, शायद रख दिया। हाँ नमस्ते नमस्ते। अच्छा सुन रोहित, राहुल को देख कितनी देर से दही लेने भेजा है, कहाँ रह गया, देख कर आ। क्या हुआ, कौन आया था भाई? निशा आई थी, कहती है कि उसकी मम्मी का मोबाइल नहीं मिल रहा है। यहाँ क्या करने आई थी, अपने यहाँ देखे? वही रश्मि इधर आ जरा। रश्मि तू सुन जरा, इधर क्या छिपा रही है, मोबाइल कहाँ है बता जल्दी, वरना इतना पीटूंगी ना आज तुझे कि देख लेना। मम्मी राहुल ने अपने बैग में छिपाया है। राहुल ने? जी मम्मी। सच कह रही है ना तू? सच मम्मी। बैग चेक करो इसका जरा। कुछ नहीं है इसमें, झूठ बोल रही है। मैंने देखा था उसने अपने बैग में ही छुपाया था। बैग में छुपाया था तो कहाँ है? इसका भी बैग चेक कर। अरे ये रोहित के बैग से मिला। बात अब बहुत आगे बढ़ गई है, आने तो इन दोनों को, आज मैं सही करता हूं इन लोगों को। ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था, ऐसा कभी नहीं सोचा था जी। अरे आखिर हुआ क्या है, कुछ बताओगे भी? आपसे तो कुछ छुपा नहीं भाभी, आप तो सब जानती हैं हम अपने बच्चों का कितना ख्याल रखते हैं। कोई कमी नहीं छोड़ी है भाभी। इनके मुंह खोलने से पहले इनकी सारी जरूरतें पूरी करते हैं हम।
मगर क्या राहुल और रोहित बहुत बिगड़ गए। अरे क्या कर दिया उन दोनों ने? क्या कर दिया, पहले तो घर में छोटी मोटी चोरी करते थे, मैं कुछ नहीं कहता था। एक दिन तो उसने इसके गहने तक चुरा लिए। अरे मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा। अरे भाभी कल तो रोहित पड़ोस से मोबाइल चुरा लाया। प्रभु मुझसे रहा नहीं गया। तो क्या किया तुमने? मारा दोनों को। पहली बार अपने बच्चों पर हाथ उठाया। अरे माँ बाप अगर बच्चों को प्यार कर सकते हैं तो उन्हें मार भी सकते हैं, डांट भी सकते हैं। और दोनों के दोनों इतने ढीठ कि इतनी मार खा के भी कहते हैं कि मैंने चोरी नहीं की। देखो कामना, हरीश बच्चों को मारने की मैं सब खिलाफ हूँ, थोड़े प्यार से भी तो समझाया जा सकता है। मुझे भी कोई खुशी नहीं हुई भाभी, मुझे तो लगा जैसे मेरा सब कुछ खत्म हो गया। ए भगवान, मैंने क्या सोचा था और ये लोग क्या बन रहे? राहुल और रोहित तो इतने अच्छे बच्चे हैं, फिर अचानक ऐसे कैसे? मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा भाभी। अच्छे से अच्छे स्कूल में उनका नाम लिखाया है, अच्छे से अच्छी कॉलोनी में हूँ, अच्छे से अच्छा माहौल है, न जाने ये लोग कहाँ से ये सब सीख रहे हैं। बताए कामना, कल राहुल का बर्थडे है, मैं तो उसके सेलिब्रेशंस के लिए आई थी, लेकिन तुम लोगों ने ऐसी खबर सुनाई कि कोई बर्थडे नहीं मनाया जाएगा भाभी उसका, प्लीज कोई बर्थडे नहीं मनाया जाएगा। देखो हनी, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। अरे भाभी आज तो हद ही हो गई। पता है आज क्या हुआ? सुबह सुबह ये ऑफिस जा रहे थे और इनके शर्ट की सारी बटन गायब। जानती हो मिले कहाँ? कहाँ? वो मिले राहुल के ज्योमेट्री बॉक्स में। मैंने मारा था ना उसे, मुझसे बदला लेगा। बताइए भला ये भी कोई बात है? आप तो प्रिंसिपल हैं, आपने देखा ये सब कहीं? अच्छा कहाँ है ये? अपने कमरे में, लेकिन मेरे सामने मत बुलाइएगा प्लीज। बस थोड़ा था। अरे वाह, रश्मि के मार्क्स तो बहुत अच्छे हैं, राहुल और रोहित के भी अच्छे हैं, लेकिन रश्मि के सबसे अच्छे हैं। ये लो, क्या बात है आज तुम लोग बड़े खामोश हो? वैसे तो रश्मि को इतना चुनौती थी। खैर कल राहुल का बर्थडे है और मैं राहुल के लिए ऐसा गिफ्ट लाई हूँ कि देख के सब दंग रह जाएंगे। ये देखो, लेकिन आज नहीं दूंगी। ऐसा बर्थडे गिफ्ट किसी भी बच्चे को आज तक नहीं मिला होगा। राहुल की खुशी का तो ठिकाना नहीं रहेगा, लेकिन आज नहीं, आप कल तक इंतजार करना पड़ेगा। कुछ नहीं कहूंगी। मुझे महसूस हो गया था कि राहुल और रोहित के साथ जो भी हो रहा है वो तुम ही कर रहे हो। मैं तुम्हारी तकलीफ समझती हूँ, मैंने बहुत से बच्चों की तकलीफ सुनी और मैं तुम्हारा डर भी दूर करके जाऊंगी। मुझे अपनी बात बताओ। तुम अपने भाइयों से चिढ़ती हो ना?
तुम चाहती हो कि तुम उनको सबकी नजरों में नीचे गिराओ? तुम ये भी चाहती हो कि मम्मी पापा राहुल और रोहित को डांटे और मारे? नहीं, नहीं। मैं अपनी मम्मी पापा का प्यार चाहती हूँ। मम्मी पापा सिर्फ राहुल और रोहित को प्यार करते हैं। हर चीज सिर्फ उनके लिए, मेरे लिए कुछ नहीं। क्या मैं उनकी बेटी नहीं हूँ? मुझे पता नहीं क्यों मुझसे चिढ़े रहते। उन दोनों से ज्यादा नंबर लाती हूँ, फिर भी कोई खुश नहीं होता। बस राहुल राहुल रोहित रोहित, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। तुम तो सबसे प्यारी बेटी हो। किसी से कुछ मत कहना, अपने रूम में जाओ और सो जाओ। और देखो, तुम्हें कल से राहुल और रोहित से भी ज्यादा प्यार किया जाएगा, सबसे ज्यादा। देख लेना, ला ये मुझे दे दो। वेरी गुड, कमरे में जाओ और सो जाओ, किसी से कुछ मत कहना। मेरा शक गलत नहीं था, ये तो अच्छा हुआ कि तुम लोगों ने अपनी बेटी का दर्द जल्दी ही समझ लिया। मैं कभी कभी आती थी, लेकिन मुझे ये अंतर समझ आता था। बेटू और बेटी में इतना अंतर। भाभी जी, हमें माफ कर दीजिए, असल में बचपन से ही बेटियों और बेटों में हमने फर्क ही देखा है, लड़कियों को हमने अहमियत ही नहीं दी। तभी भाभी जी, आपने हमारी आंखें खोल दी। जमाना बदल गया है, आजकल के बच्चे सब देख रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। लड़कियों को भी वो सब मिलना चाहिए जो हम लड़कों को देते हैं। शुक्र है तुम दोनों की आंखें जल्दी ही खुल गईं, वरना अंजाम बहुत बुरा हो सकता था। यह एक दायित्व है माता पिता का कि वो जो भी बच्चे हैं उनमें कभी भी जो है तुलनात्मक चीजों को ना करें, और ना ही किसी एक को अधिक महत्व दें और दूसरे को कम महत्व दें। इससे बच्चों में एक सिबलिंग राइवलरी, आपस में जो एक तनाव है, एक कंपटीशन है, वो आ जाता है, और उस परिस्थितियों में वो हमेशा एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करता है। शायद यही कारण है कि रश्मि ने अपने पूरे जो है क्रियाकलापों के द्वारा ये शो करने की कोशिश की कि वो जो है जो अटेंशन भाइयों को मिल रहा है, और वही अटेंशन उसको भी मिलना चाहिए, जिसकी वजह से वो भी अपने आप में एक संतुष्टि महसूस कर सके। विशेष चीज यहाँ पर ध्यान देने की पेरेंट्स के लिए ये है कि उन्हें एक बच्चा है या दो बच्चा है, सबको बराबर का जो है दर्जा दिया जाना चाहिए। कभी किसी के लिए कोई एक जो है अलग से ट्रीटमेंट नहीं दिया जाना चाहिए। शॉपिंग बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे हेड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है, और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू ए, नेक्स्ट टाइम योर पिंक ड्रेस, यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है, RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े, महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी, टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क,
काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, सो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबली, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है, तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो मास्क। हाँ, मास्क, मास्क, मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ, हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी और उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। इतनी उदास क्यों लग रही हो? इस कोरोना ने तुमने बहुत परेशान कर दिया, मैं बहुत ज्यादा बोर हो रही हूँ। तुम तो कोरोना के बारे में ऐसे बातें कर रही हो, ऐसे तो मैं कोरोना के बारे में सब कुछ पता है। हाँ, मुझे पता है। अच्छा, तो एक काम करते हैं, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगी जिनके तुम्हें आंसर देने, अगर तुम आंसर दे दोगी तो मतलब तुम्हें कोरोना के बारे में सब कुछ पता है। अच्छा ठीक है। तो मेरा पहला सवाल कि ये कोरोना आखिर है क्या? कोरोना एक वायरस है जो चीन के वुहान शहर से शुरू होकर दुनिया में फैला है और वो एक महामारी बन चुका है। वाओ, अब ये बताओ कि ये कोरोना वायरस आखिर फैलता कैसे है? हाँ, किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से या फिर उसके खांसने से, छींकने से। वेरी गुड। तो अब मैं तुमसे ये पूछूंगी कि हम इस कोरोना वायरस को फैलने से आखिर रोक कैसे सकते हैं? हाँ, समय समय पे अपने हाथ धुलते रहे, खांसते छींकते वक्त ऐसे करें और जब भी बाहर जाए एक मास्क लगा के जाए। तो अब मैंने एक और चीज कुछ सुनी थी, क्या था वो? फिजिकल डिस्टेंसिंग। ये फिजिकल डिस्टेंसिंग क्या है? हाँ, जैसे आप मुझसे दूरी बना के बैठे हो उसी को फिजिकल डिस्टेंसिंग कहते हैं। अमेजिंग, तुम्हें तो बहुत कुछ पता है। तो जैसे कि तुमने बताया कि हमें कोरोना से बचने के लिए अपने हाथ बार बार धोते रहना चाहिए, तो जैसे बहुत लोग जल्दी जल्दी में सिर्फ पानी से हाथ धो लेते हैं, तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए? नहीं, अगर हम अपने हाथ पानी से धुलेंगे तो सारे जर्म्स हाथों में ही रह जाएंगे, पर अगर हम साबुन से धुलेंगे तो सारे जर्म्स हट जाएंगे। अच्छा, तो अब मैं तुमसे एक और सवाल पूछना चाहती हूँ। जैसे बहुत लोगों के अलग अलग नाम होते हैं, वैसे क्या कोरोना वायरस का भी कोई और नाम है? कोविड-19। और इस कोविड-19 शब्द का आखिर मतलब क्या है? कोविड मतलब कोरोना वायरस डिजीज और 19 में शुरू हुआ था, इसलिए इसको 19 कहते हैं। वाओ, इट्स वेरी गुड। अब मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे किस किन लोगों को इस वायरस से सबसे ज्यादा खतरा है? 10 साल से कम उम्र के बच्चों को और बुजुर्ग लोगों को। बुजुर्ग लोग यानी? नाना, नानी, दादा, दादी। तुम्हें तो बहुत कुछ पता है, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे कभी कभी किसी बहुत जरूरी काम के चलते हमें बाहर जाना पड़ता है, तो अगर हम कभी बाहर जाएं तो हमें क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए? ये तो बहुत आसान है, हमें ग्लव्स पहन के जाना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए और एक सैनिटाइजर की बॉटल रखनी चाहिए और उसको समय समय पे इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, तो अगर हमें मान लो कोरोना के लक्षण आना शुरू हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? ये भी आसान है, तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जैसे कि अभी तुम जानती हो कि हम सभी अभी घर ही पर हैं, तो हमें अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए क्या क्या चीजें करनी चाहिए? योगा करना चाहिए, एक्सरसाइजेस करनी चाहिए और हेल्दी फूड खाना चाहिए। हेल्दी फूड जैसे? फल, सब्जियां, अखरोट, बादाम, ऐसी चीजें। वेरी गुड, आई मीन तुम्हें तो सभी कुछ पता है और ये जानकारी हमने आपको भी दी है। तो घर पे रहे, सुरक्षित रहिए और सारी सावधानियां लेते रहे। ओम हरा साहब जी।
पर मन्ने जे खबर है कि इस घर में पहले ही सुरभि को भड़काकर कौन काई करने की कोशिश कर रहा है। और जहां तक थारे दिमाग में उनके ना आने वाली बात है ना, तो ये बात जरूर थारी माँ ने थारे दिमाग में डाली होगी। उनकी तबीयत ठीक ना है तो तू भगवान से प्रार्थना कर कि जल्दी उनकी तबीयत ठीक हो जाए, हैं? और जब ठीक हो जाएगी तो थे और मैं जाएंगे कुंवर साह से मिलने, हैं? जा जा भगवान से प्रार्थना कर। हाँ ये ठीक ठीक है, मैं अभी अभी जाके करती हूँ। बार बार मारी छोरी सुंदरी को दिल दुखा कर ते अच्छा ना कर रहे हो कुंवर साहब, जरा भी अच्छा ना कर रहे हो। और रही बात थारे जरूरी काम की, तो अब मन ने ये देखनो है कि थारो जरूरी काम है कौनसो, कहीं श्रीधर की छोरी सुरभि तो ना है? और अगर ऐसा हो बहुत गड़बड़ हो जाएगी निर्भय सा, बहुत गड़बड़। अरे जीजी सा, इतनी परेशान काहे हो रही हो? अरे मैंने तो बस ऐसे ही बात कह दी। ये तो बताओ, सच कही या झूठ? अच्छा एक बात बताओ, ये दूर की कौड़ी तुम लाई तो लाई कहां से?